नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर SMC और HDMC मॉड्यूल अपडेशन किस प्रकार से हम करेंगे, SMC HDMC की तारीख कैसे अपडेट करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो SMC HDMC का गठन और PTA मीटिंग की सूचना है वो हम ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, ये सारी की सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के आदेश की जो कि जारी हुआ है इस संबंध में। ये जो आदेश आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 30/8/2022 को जारी हुआ है, जिसका विषय है HDMC और SMC के गठन के विवरण एवं इनकी बैठकों की सूचना की प्रविष्टि हेतु मॉड्यूल। तो उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन के अंतर्गत विद्यालय जो टैब है उसमें जाके सामुदायिक सहभागिता टैब के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में संचालित SMC और HDMC के गठन के विवरण और इनकी बैठकों की सूचनाओं की प्रविष्टि हेतु मॉड्यूल प्रारंभ कर दिया गया है। आज सुबह ही ये मॉड्यूल चालू हुआ है। तो विद्यालय स्तर पर 100% जो प्रविष्टियाँ हैं वो करने के निर्देश यहाँ जारी किए गए हैं। तो मॉड्यूल की रिपोर्ट का विश्लेषण में सामने आया है कि अब तक केवल 7,452 विद्यालयों द्वारा ही इस सूचना को केवल 5472 विद्यालयों द्वारा SMC और HDMC बैठकों की सूचना प्रविष्टि की गई है। तो दिनांक 10/9/22 तक 100% जो प्रविष्टि है वो सुनिश्चित यहाँ करने की बात हुई है। ये आप जिले वाइज आप रैंकिंग देख सकते हैं कि कितने ज़िलों में कितना ये कार्य हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसकी हम ऑनलाइन प्रविष्टि कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको चलना होगा हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो है साला दर्पण। इसमें हमको लॉगिन करना है। लॉगिन प्रोसेस आप सभी को आती है इसलिए हम लॉगिन प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। जैसे ही हम ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो इसमें हमको सबसे पहले जो विद्यालय ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। विद्यालय ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो ऑप्शन हमको दिखाई देंगे वो है विद्यालय सामुदायिक सहभागिता फंड मैनेजमेंट और ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है सामुदायिक सहभागिता, इसमें हमको क्लिक करके और जो पहला ऑप्शन है SMC HDMC विवरण और बैठकों तथा PTA बैठकों का विवरण, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सेशन पूछेगा। तो सेशन यहाँ एक ही है 22-23 और दूसरा ऑप्शन यहाँ है विद्यालय में विकास समितियों के गठन की स्थिति। तो यहाँ पर केवल SMC यदि गठित है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू आपको खुल जाएगी, इसको हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद में SMC गठित होने की दिनांक हमसे पूछ रहा है, दिनांक हम डाल देंगे जो कैलेंडर है उसमें चूज करके। SMC पंजीयन संख्या जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था SMC का वहाँ पर ये हमको मिलेगी और SMC पंजीयन की दिनांक भी हमको वहीं पर मिलेगी। तो वहाँ से हम दोनों डिटेल डाल के इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके पश्चात जो इंटरफेस हमारे सामने होगा वो है SMC की वर्तमान कार्यकारिणी के गठन की दिनांक। तो जिस दिनांक को हमने SMC गठित की है इस सत्र में या फिर कुछ फेरबदल किया है तो वो कार्य जो दिनांक है वो हमको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद वाला ऑप्शन है विद्यालय में केवल SMC गठित होने की स्थिति में SMC ही HDMC के रूप में काम ये कर रही है तो इसको हाँ कर देना है, अदरवाइज नहीं कर देना है। दूसरी कोई संस्था है तो इस केस में नॉर्मली हाँ ही आएगा क्योंकि एक SMC ही है जो UPS स्कूल है वहाँ तक।
उसके बाद में एसएमसी सदस्य का विवरण आपको शो करेगा। यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, यहाँ पर इनके नाम आ जाएंगे, यहाँ पर इनकी जाति आ जाएगी, लिंग आप चयन कर लेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ आप एंटर कर देंगे। ये सारे के सारे एंटर करने के पश्चात सेव कर देंगे और आपको ये लास्ट अपडेटेड दिनांक दिखा देगा। एक व्यक्तिगत राय मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सेव का ऑप्शन नहीं है, तो आप प्रत्येक सदस्य का नाम लिखकर एक बार जो सेव है उसको प्रेस करेंगे तो आपको एसएमसी डिटेल है वो कंप्लीट फिल करने के लिए बोलेगा, और इसी तरीके से ये जो नाम है आप सेव करना चाहेंगे वो सेव हो जाएगा। यदि आप ये प्रोसेस नहीं अपनाते हैं तो सारे के सारे सदस्यों का नाम यदि आप लिख दोगे और उसके बाद में सेव करना चाहोगे तो हो सकता है कि जो सेशन है सारा दर्पण का वो आउट हो जाए और आपको जो पूरी की पूरी मेहनत है वो दोबारा से करनी पड़ सकती है। तो आप प्रत्येक सदस्य का नाम लिखने के पश्चात एक बार सेव प्रेस ज़रूर कर दें। सेव प्रेस करने के पश्चात ये सारे जो नाम है ये आप एंटर कर देंगे, उसके पश्चात आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के पश्चात यहाँ पर हमारे सामने एचडीएमसी और एसएमसी की जो बैठक का विवरण है, बैठक का दिनांक हमको यहाँ शो करना है तो ये दिनांक हम शो कर देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य यहाँ आए हैं तो इनको हम यहाँ कर देंगे, और ये जो एक्शन का बटन है सेव, इस पर हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर की वजह से, तो यहाँ आपको यहाँ डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये एक जो मीटिंग है उसमें कितने सदस्य उपस्थित हुए ये हमारी सेव हो चुकी है। इसी तरीके से जो अध्यापक अभिभावक परिषद पीटीए विवरण, बैठक का विवरण है, उसी को भी इसी प्रकार सेव करना है। डेट हम यहाँ डाल देंगे और बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए उसकी संख्या भी हम यहाँ डाल देंगे, और जो एक्शन का बटन है सेव का वो हम यहाँ प्रेस कर देंगे तो ये डाटा भी हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैक जाना चाहें तो बैक भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लॉग आउट होना चाहें तो लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी जानकारी एसएमसी जो सदस्य हैं उनकी एंट्री के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को शेयर करते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर रखी गई है। तो ये कार्य आप आज या कल में कर दें, ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है।